ओके सो कैन समवन टेल मी व्हाट इज लेवन? लेवन क्या है यहाँ पे? व्हाट इज लेवन? लेवन इज दी फाइनल आंसर. लेवन इज दी फाइनल आंसर. ठीक है. सो इंडिविजुअल इंटीग्रेशन. थ्री आउटसाइड एक्स स्क्वायर डी एक्स वन ए टू आउटसाइड एक्स रेज टू वन डी एक्स वन ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन इज एक्स बॉक्स ब्रैकेट वन एंड ए. चलो समझा क्या? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस स्लाइड? ऑन दिस स्लाइड प्लीज लेट मी नो. यस निखिल, इन द नेक्स्ट स्टेप हम लोग कर सकते हैं. जस्ट वेटिंग फॉर दोज हु आर कॉपिंग. एक्स क्यूब बाय थ्री, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री. किसी को कुछ पूछना है? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री. Yes or no, guys? Tell me. X raised to one का इंटीग्रेशन, X raised to one का इंटीग्रेशन, X square by two. So three, X cube by three, one and a, two, X square by two, one and a, plus connected box minus box. कैन राइट बॉक्स माइनस बॉक्स? ये तो हो गया ना अपना सॉल्व करके. ए पार्ट तो हो गया लास्ट वाला. सो कैन राइट बॉक्स माइनस बॉक्स? तो पहले बॉक्स के अंदर क्या आएगा? अपर लिमिट की लोअर लिमिट? अपर लिमिट आएगा. दूसरे बॉक्स के अंदर लोअर लिमिट आएगा. ओके एट द सेम टाइम वी कैन कैंसिल दिस. दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है. कैंसिलेशन प्रेफरेबली विद अ पेंसिल. ओके अभी इसके लिए बॉक्स माइनस बॉक्स. ओके प्लस इसके लिए भी बॉक्स माइनस बॉक्स चलेगा क्या? प्लस ए माइनस वन इज इक्वल टू इलेवन. समझा कि नहीं समझा? ठीक है. एक्स के जगह पे पहले क्या आएगा? एक्स के जगह पे क्या आएगा? ए. लेकिन पहला पहला बॉक्स के अंदर लिखूं क्या मैं? ए क्यूब.
दूसरा बॉक्स के अंदर क्या लिखो? वन क्यूब बराबर क्या ए स्क्वायर वन स्क्वायर? ओके, सो ए क्यूब माइनस वन प्लस ए स्क्वायर माइनस वन प्लस ए माइनस वन इक्वल टू इलेवन. सो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू फोर्टीन. समझा आप लोग को ये? हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, अब ये देखो लास्ट लेक्चर में लास्ट प्रॉब्लम जो मैंने किया था वो प्रॉब्लम मैंने करके वाइंड अप किया था ना, तब भी अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो, इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन. इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन. ओके, ए का वैल्यू ट्रायल एंड एरर से करेंगे. वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए यूजिंग ट्रायल एंड एरर. Trial and error. Okay. Okay. So, understand the trial and error process. A cube plus a square plus a. Okay. A equal to minus two. A equal to minus one. A equal to zero. A इक्वल टू वन, A इक्वल टू टू, ये सब वैल्यूज डाल के देखते हैं क्या आता है. आंसर आंसर बोलो मुझे इसका. A इक्वल टू जीरो के लिए आंसर जीरो आता है, लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे इलेवन चाहिए. मुझे इलेवन चाहिए. मुझे इलेवन चाहिए. तो इलेवन आया क्या A इक्वल टू जीरो पे? जब मैंने ए का वैल्यू यहाँ पे जीरो डाला तो ए इक्वल टू जीरो पे इलेवन आया क्या? नो. ए इक्वल टू वन, व्हेन आई पुट ए इक्वल टू वन, इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया वन. ए इक्वल टू टू पे आंसर कितना आया? ए मुझे इलेवन नहीं, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, कंफ्यूज हो गया मैं. फोर्टीन चाहिए, फोर्टीन. ओके, वी रिक्वायर फोर्टीन. सॉरी. ओके, सो व्हेन ए इज इक्वल टू टू, ए इक्वल टू टू पे 14 आ रहा है क्या? यस. ओके, अभी मुझे एक बात बोलो, ए इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके कुछ मतलब है क्या? तुम लोग ही बोलो, विल इट मेक सेंस? सबसे पहला इट विल नॉट मेक एनी सेंस, और दूसरा मतलब टाइम भी बर्बाद हो जाएगा. नेगेटिव वैल्यूज देख के लेके देखते हैं. लेट्स टेक सम सैंपल नेगेटिव वैल्यूज. माइनस वन माइनस टू लेके देखते हैं. माइनस वन अगर डालेंगे हम लोग तो माइनस वन के लिए आंसर नेगेटिव वन आ रहा है. बराबर. माइनस टू के लिए आंसर कितना आ रहा है? माइनस टू के लिए आंसर कितना आ रहा है? माइनस सिक्स. ओके, माइनस वन के लिए वन आ रहा है. माइनस वन क्यूब इज माइनस वन, माइनस वन स्क्वायर इज वन, माइनस वन. ओ सॉरी, कहीं बराबर है? नहीं, माइनस वन आ रहा है क्या? रे तुम लोग कंफ्यूज करते हो कुछ भी डाल के मेरे को. ये प्लस वन माइनस वन गया ना, आंसर माइनस वन. ए हेत क्या रे?
सॉल्व कर बराबर से. ओके ए इक्वल टू माइनस थ्री भी लेके देखो. चलो ए इक्वल टू माइनस थ्री लेके देखो कितना आ रहा है. ओके टेल मी कम ऑन. माइनस 27 प्लस 9 माइनस 3 बराबर है ना. माइनस 27 प्लस 9 माइनस 3 सो माइनस 21 आ रहा है. अभी आप लोग मुझे बोलो नेगेटिव वैल्यूज अगर मैं लेगा ए का तो 14 आने का कुछ चांस लग रहा है कि आपको? ये तो बढ़ते जा रहे हैं नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है तो मैंने सैंपल वैल्यूज लेके देखा. ट्रायल एंड एरर बोलते हैं इसको. ट्रायल एंड एरर. ओके गेस करके देखा मैंने. ए इक्वल टू टू पे ही राइट वैल्यू आ रहा है. ये सब लिखने का जरूरत नहीं है. ओके समझा क्या? ये सब लिखने का जरूरत नहीं है. ये मैंने गेस वर्क से किया. समझा क्या तुम लोग को? इसमें रिपीट क्या करने का? अभी ए का एक एक सैंपल वैल्यूज डाल के देखा. आंसर किधर आ रहा है? अब आंसर अपने को 14 चाहिए. क्यों 14 चाहिए? बिकॉज हियर वी आर हैविंग 14. ठीक है नाउ हाउ टू प्रेजेंट दिस. विल राइट देयरफॉर बाय ट्रायल एरर ए इक्वल टू टू सिंस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू टू क्यूब प्लस टू स्क्वायर प्लस टू विच इज इक्वल टू 14. जस्टिफिकेशन दे दिया. जस्टिफिकेशन दे दिया मैंने. ठीक है. अरे हेद भाई सेवेंथ प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक था तेरे को समझा है ना? हाँ तो क्यों वो उसका कनेक्शन इसके साथ कर रहा है तू? ये क्वाड्रेटिक था क्या? बोला है ना मैंने रीजन ऑलरेडी दिया है ना. हैव यू कॉपीड दिस एवरीवन? ओके क्वेश्चन नंबर 9. चलो फॉरगेट अबाउट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. अपर लिमिट लोअर लिमिट के बारे में तो भूल जाओ. हाउ माइनस केम सिक्स ऑन द माइनस सिक्स केम ऑन द प्रीवियस स्लाइड. अरे बाबा आप लोग का अभी बोर्ड मस्त सब अच्छा नहीं तो मैं क्या करूं उसके लिए? मेरा गलती है तो बोल दो. ये माइनस सिक्स सबको आ रहा है क्या? मेरा गलती है तो मुझे बोल दो. कोई प्रॉब्लम नहीं है. माइनस टू दी होल क्यूब प्लस माइनस टू स्क्वायर प्लस माइनस टू. अरे सिखा रहा हूं समझो. पहला खुद का आंसर मत बोलो. माइनस एट बराबर है क्या? एट कैसे आएगा? आई विल रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग. एक तो गलत आंसर दे रहे हो उसके ऊपर बार 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 चैट पे कुछ भी गलत डाल रहे हो. बाकी सब लोग को आया बराबर. माइनस टू क्यूब अगर आप एट मुझे बोल रहे हो तो फिर I'll seriously remove you. Yeah, बोलो इसमें क्या करना है?
हाफ नहीं लेना है हमें, हाफ लेके क्या करेंगे, बीच में प्लस साइन है, यहाँ पे बीच में प्लस साइन है ना, हाफ लेके कुछ अपना आगे नहीं बढ़ने वाला है। हाँ रूट निकालने के लिए हाफ लेते हैं। देखो सी एवरीवन, अगर ऐसा प्रॉब्लम रहता था, प्रॉब्लम अगर ऐसा रहता था तो मैं हाफ लेके कंटिन्यू करता था, बराबर है ना। ऐसा प्रॉब्लम रहता तो हाफ लेके कंटिन्यू करता था। अमय इज दिस क्लियर? फिर वो हाफ को ऊपर लेके जाने का माइनस हाफ, बराबर। लेकिन अभी बीच में प्लस साइन है ना, और डिनोमिनेटर कभी स्प्लिट नहीं होता है एमिमा, डिनोमिनेटर कैन नेवर गेट स्प्लिट। ओके, ऐसा प्रॉब्लम हम लोग ने इंटीग्रेशन में किया है ऑलरेडी, सो वी आर सपोज टू रैशनलाइज दिस। याद आया? गाइज आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये कुछ याद आया आप लोग को? कॉन्जुगेट, निखिल यू आर राइट पहले से। JBDN कुछ रिप्लाई नहीं है तुम लोगों का, क्या हो गया? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ओके नेक्स्ट। ये नहीं समझा मतलब आपने, माय डियर फ्रेंड मनीष, आपने इंटीग्रेशन का रिवीजन किया नहीं है। कॉन्जुगेट है ये, रैशनलाइजेशन बोलते हैं इसको। ये ऐसा कभी मैंने किया है क्या? 11th में भी किया है, लिमिट्स चैप्टर में, 12th में हम लोग ने किया है ये इंटीग्रेशन में। इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। रूट के अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, रूट के बाहर का साइन चेंज होता है। a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, परफेक्ट। इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलो नीचे लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर से लिखा है मैंने? हैव आई रिटन इट करेक्टली? जल्दी कॉपी करो। ओके, रूट और स्क्वायर हट जाएगा, ये तो सबको पता है। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है ना, इसके लिए माइनस के पहले वाला टर्म है, माइनस के बाद में वाला टर्म नहीं है। माइनस के पहले वाला टर्म में ब्रैकेट नहीं प्लेस करेंगे तो भी चलेगा। करेक्ट है क्या यहाँ तक? कैंसलेशन विथ पेंसिल, तो नीचे वन बचता है, नीचे वन बचता है। नीचे अगर वन बचता है तो वन को नेक्स्ट स्टेप में लिखने का जरूरत है। नहीं जरूरत है। ओके, आई एम वेरी श्योर सब लोग को यहाँ तक समझ में आया रहेगा। मुलुंड ब्रांच, देवी दयाल बोलो।
अरे बाप रे, हालत खराब है तुम लोग का। यू आर आस्किंग मी कि रूट और स्क्वायर कैसे निकला। बाप रे बाप, ये पता है ना सब तुम लोग को, ऐसे सब क्या पूछ रहे हैं मेरे को। 12th स्टैंडर्ड में आए हो ना तुम लोग। यस यशिता, व्हाट कैन आई डू नाउ। अभी आप ही बोलो। आप बोल रहे हो मुझे कंटिन्यू करने, लेकिन हाउ कैन आई कंटिन्यू। मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है सब ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो। आई रियली बिकम वेरी वेरी फ्राइटेंड, डर लगता है। ओके ओके ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन प्लीज। रूट ऑफ 1 + x dx माइनस रूट एक्स डी एक्स, 0 to 1, 0 to 1 बराबर है। ओके, रूट एक्स का कोई इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है क्या? करेक्ट, देर इज नो फॉर्मूला फॉर रूट एक्स। तो हम लोग ये चीज करेंगे, देखो। अभी हाफ लो। x रेस टू n दोनों को इंटीग्रेशन वाला x रेस टू n ना, डेरिवेटिव्स वाला नहीं, इंटीग्रेशन वाला। अमा इज इट क्लियर नाउ? अभी मैं हाफ लेके कर रहा हूँ, समझा आपको मैंने स्टार्टिंग में क्यों नहीं लिया और अभी क्यों लिया। स्टार्टिंग में वो डिनोमिनेटर में था ना, तो बीच में प्लस साइन था, तो ऐसा ऊपर नहीं लेके जा सकते ना उसको। कॉपी करके हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। बेसिक्स में बहुत लफड़ा है तुम लोग के। हाँ हेत, इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ। a^-1 + b^-1। नहीं, बीच में माइनस रहेगा तो ऐसे हो सकता है पॉसिबल। प्लस नहीं, माइनस के लिए एप्लीकेबल है। नो, a^(v), a^-1 × b^-1, ये वाला राइट है क्या? ये वाला एब्सोल्युटली राइट है, ये वाला एब्सोल्युटली राइट है। इसमें कुछ क्यों राइट है वो भी बताता हूँ ना मैं। 1 upon b, तो a^-1 × b^-1। ये सब मेरे को अभी नहीं पढ़ाने का, प्लीज। मेरा टाइम वेस्ट होता है, बाकी का स्टूडेंट्स लोग का भी टाइम वेस्ट होता है। What is happening to you? आप क्या क्या पूछ रहे हो? मैंने ऑलरेडी रीजन दिए हैं, नाउ डोंट ड्रैग इट फर्दर। कम ऑन यार, ड्रैग मत करो कोई भी चीज को ना, ड्रैग मत करो। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द रीजन। टाइम वेस्ट होता है उसमें। (1 + x)^(1/2 + 1) / (1/2 + 1) (dy/dx)(1 + x) ओके, बॉक्स ब्रैकेट 0 एंड 1,
guys, have I written this correctly? Please tell me. X raised to n plus 1 upon n plus 1. लेकिन x के जगह पे 1 plus x है, तो नीचे chain rule भी आया. Is 1 plus x linear algebraic? Yes, इसके लिए chain rule आया. ठीक है, आगे वाला term. X raised to half plus 1 upon half plus 1. इसमें चेन रूल नहीं आएगा. कोई बताएगा इसमें सेकंड वाले में चेन रूल क्यों नहीं आएगा? कॉमन सेंस है, सेकंड वाले में चेन रूल क्यों नहीं आएगा? एक्स के जगह पे कौन है? एक्स के जगह पे कौन है? एक्स के जगह पे एक्स ही है. एक्स इज नॉट गेटिंग रिप्लेस्ड. करेक्ट पृथ्वी, एक्स इज नॉट गेटिंग रिप्लेस्ड. एक्स इज गेटिंग रिप्लेस्ड विद एक्स ओनली, ऐसे भी बोल सकते हो. तो एक्स के जगह पे एक्स ही है ना, तो चेन रूल क्यों आएगा? ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं मैं. x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 वन एंड जीरो प्लस, ओ सॉरी सॉरी आई एम रियली सॉरी, वन प्लस x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 वन एंड जीरो. बीच में सब्ट्रैक्शन है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्ट. अभी राइट है. ओके, नाउ फोकस ऑन दिस टर्म्स. ये दोनों टर्म्स के ऊपर फोकस करो. क्या मैं ये दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली बॉक्स ब्रैकेट के बाहर 2/3 लिख सकता हूँ? बॉक्स ब्रैकेट के बाहर है, अंदर नहीं. बॉक्स ब्रैकेट के बाहर 2/3 लिख सकता हूँ? ओके देन आई विल राइट 2/3. सब लोग का ये कॉपी करके हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ. बॉक्स को पावर नहीं है, बॉक्स को अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है. वन प्लस एक्स राउंड ब्रैकेट को पावर है. बॉक्स को पावर नहीं है, बॉक्स को अपर लिमिट और लोअर लिमिट है. लास्ट लेक्चर में भी ऐसा किया था, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाला था. टू बाई थ्री चलो ठीक है क्या? वंस अगेन, एक दो जन ने पूछा ये पावर है, ये पावर नहीं है बाबा, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट है. इट्स नॉट अ पावर. पावर सिर्फ राउंड ब्रैकेट को अंदर वाले टर्म को. या 2/3 कैन आई राइट बॉक्स माइनस बॉक्स फर्स्ट वाले को? कैन आई राइट बॉक्स माइनस बॉक्स? सो वेर एवर देर इज एक्स, वेर एवर देर इज एक्स, उसके जगह पे पहले क्या लिखूं मैं? वन. सो वन प्लस वन रेज टू 3/2 लिखूं मैं? वन प्लस वन रेज टू 3/2 लिखूं मैं? प्लीज प्लीज थोड़ा फीडबैक दो ना. सेकेंड बॉक्स ब्रैकेट में क्या लिखना है? सेकेंड बॉक्स ब्रैकेट में वन प्लस जीरो रेज टू 3/2 चलेगा क्या? पहले एक्स के जगह पे वन, बाद में एक्स के जगह पे जीरो. सेकेंड बॉक्स ब्रैकेट में डिफिकल्ट है, अंडरस्टैंड करने के लिए डिफिकल्ट लग रहा है. हाँ, लेकिन प्रैक्टिस तो लगेगा. प्रैक्टिस विल बी रिक्वायर्ड, अदरवाइज दिस विल बी हॉरिबल. एक्स के जगह पे वन क्यों आएगा?
पहले अपर लिमिट आता है ना एक्स के जगह पे वन, बाद में लोअर लिमिट, समझा है आपको? पहले एक्स के जगह पे अपर लिमिट, बाद में एक्स के जगह पे लोअर लिमिट, ओके? या सो माइनस टू बाय थ्री, बॉक्स माइनस बॉक्स, ओके। एक्स के जगह पे पहले क्या आएगा? वन, पहले अपर लिमिट, वन रेस टू थ्री बाय टू, जीरो रेस टू थ्री बाय टू, वन रेस टू थ्री बाय टू, जीरो रेस टू थ्री बाय टू, सो टू बाय थ्री, टू रेस टू थ्री बाय टू, माइनस वन रेस टू थ्री बाय टू। ये समझा क्या आपको ये कैसे आया? टू रेस टू थ्री बाय टू, वन रेस टू थ्री बाय टू, माइनस टू बाय थ्री, वन रेस टू थ्री बाय टू कितना होता है? वन रेस टू थ्री बाय टू, इट इज वन, ओके? वन रेस टू थ्री बाय टू इज वन, और जीरो रेस टू थ्री बाय टू कितना? जीरो। चलो कॉपी करो इतना, आई विल वेट फॉर यू। घाटकोपर स्टूडेंट्स फीडबैक, घाटकोपर ये संडे को मैंने एप्लीकेशन का टेस्ट रखा है ना, हाँ तो पढ़ाई करो आप, सैटरडे को बैठोगे तो कुछ जीरो मार्क्स मिलेगा, कुछ आएगा नहीं तुम लोग को। टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर एनी टेस्ट, एनी संडे टेस्ट, तुम लोग का प्रिपरेशन 10 दिन पहले या एक हफ्ते पहले ही होना चाहिए। दो दिन पहले करोगे तो कुछ नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। देखो डिफिकल्ट इजी कैसा है कि मैंने, आपने अगर मेरा क्लास वर्क बराबर से अटेंड किया है, प्रैक्टिस की है, क्लास वर्क और होमवर्क प्रॉब्लम्स, उतना मोर देन इनफ है, मैं उसके बाहर कभी पूछता ही नहीं हूँ। हाँ लेकिन क्लास वर्क में भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होता है तो वो मैं पूछ सकता हूँ, आई कैन नॉट टेक दैट चांस। या चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं ये वन माइनस जीरो को वन लिखता हूँ, वन माइनस जीरो को वन, वन इंटू टू बाई थ्री, वन इंटू टू बाई थ्री कितना रहता है? हेट नाउ, अभी आप कुछ भी सवाल जब पूछ रहे हो, वन रेस टू थ्री बाई टू अपना लास्ट लेक्चर में भी हो गया था, वन रेस टू थ्री बाई टू इज वन, ओके। और इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा? वन, वन रेशो थ्री बाई टू को वन लिखूंगा। और ये पूरा सर्कल जो मैंने किया है, इसका आंसर क्या रहेगा? रेड कलर से हाईलाइट जो कर रहा हूं उसका फुल आंसर क्या रहेगा? टू बाई थ्री, ओके। कम ऑन, आई विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। टू बाई थ्री, टू रेशो थ्रू टू बाई थ्री माइनस वन, माइनस टू बाई थ्री, अंडरस्टूड? अरे बाबा, टू रेस टू थ्री बाई टू एट बाई फोर कैसे आया जरा बताओ, मुझे भी सिखाओ। डेंजर लड़की है तू। ओके ये रॉन्ग है, कुछ भी दिमाग में लाते हो और कुछ भी लिख देते हो। ओके अभी देखो, सबसे पहला चीज मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ, टू रेस टू थ्री बाय टू, बोलो बराबर है?
लॉज ऑफ इंडाइसेस मैं भी बोलता हूँ, अध्ययन में ही बोल देता हूँ, लॉज ऑफ इंडाइसेस ये चैप्टर है ना स्कूल सेक्शन में मैं ही सिखाता हूँ, पकड़ पकड़ के मार मार के सिखाऊंगा सब लोग को। चलो ये राइट है क्या? लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, हैव आई रिटन करेक्टली? ओके, 2³ कितना होता है? 8, 8 raised to 1/2 बराबर है, 8 raised to 1/2 इज √8 बराबर है। कैन आई राइट इट एज 2√2? पुट दिस विद इन अ ब्रैकेट, ए √8 इज 2√2। अभी डोंट आस्क हाउ प्लीज, इट्स एन इंसल्ट टू द सब्जेक्ट नाउ। बोलो ये नहीं आता है तो मैं ये भी पढ़ाने के लिए तैयार है, ऐसा कुछ नहीं। बोलो √8 इज 2√2, किसको नहीं आता है प्लीज टेल मी, आई विल टीच दिस, डोंट वरी। देखो स्टूडेंट्स कैसा है कि अगर बेसिक्स में ही मारा मारी है तो फिर हम लोग ने जो इतना वॉट एवर वी आर डूइंग इज लाइक अ मॉन्स्टर ऑफ अ सिलेबस। तो सिलेबस इतना बड़ा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स है, इतना ह्यूज है, लेंदी चैप्टर्स है, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है, प्रोसीजर्स डिफिकल्ट है, तो बेसिक्स में मारा मारी है तो वो सब में क्या करोगे तुम लोग, उसका टेंशन आता है मुझे। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2√2 - 1 - 2/3 समझा क्या? क्लियर है? ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4, so is it 4√2/3 first term and the second term is -2/3 and the third term is -2/3। ये वाला टर्म तो इधर है, क्लियर है क्या? 2/3 को ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, टू बाई थ्री को ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। आर यू फाइंडिंग दिस डिफिकल्ट? ओके अभी तक ओके, गुड, योर अंडरस्टैंडिंग गौरी? ओके चलो अभी मुझे एक बात बोलो सब लोग, -2/3 - 2/3 कितना होता है? ये अगर नहीं आते तो छोड़ ही देना मैथ्स आज के दिन पे, लीव दिस सब्जेक्ट एंड बी हैप्पी। -2/3 - 2/3 कितना होता है? चलो बोलो सब लोग, 4√2/3 - 4/3 Disappointing answers I am getting. -2/3 - 2/3 कितना होता है? नीचे 3, ऊपर -2 - -2 - 4/3 ओके, 7th स्टैंडर्ड का मैच। आई एम फीलिंग कि मैं 12th स्टैंडर्ड को नहीं 7th स्टैंडर्ड के बच्चे लोग को सिखा रहा हूं। समझा क्या -4/3 कैसे आया? देर इज नो एक्सक्यूज आर स्टूडेंट्स, यू शुड फील बैड, अगर बुरा लगेगा तो ही मेहनत करोगे, नहीं तो नहीं करोगे।
अच्छा ये कुछ गलत लिखा है क्या पहला स्टेप में? 4√2/3 है ना? सॉरी ए बाबा, ये समझा कि नहीं तुम लोगों, -4/3 कैसे आया? मैंने सिखाया अभी, 4/3 कॉमन ले सकते हैं लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. यू कैन टेक 4/3 कॉमन फ्रॉम बोथ, बट देन उससे कुछ कैंसलेशन वैंसलेशन कुछ होने वाला नहीं है. वी कैन लीव इट एज इट इज, वी कैन लीव इट एज इट इज. वरुण धवन किधर है तू? ये देखो आ गया. और एक मस्त क्वेश्चन आया, कैन वी सब्ट्रैक्ट 4 एंड 4? कैन वी सब्ट्रैक्ट 4 एंड 4? वरुण बता, मेरे को एक जन पूछ रहा है इधर, मैं 4 और 4 सब्ट्रैक्ट करूं क्या? कर सकते हैं क्या 4 और 4 को सब्ट्रैक्ट? और ऊपर से बापरे, और ऊपर से और एक कमेंट आ रहा है कि व्हाई नॉट. Someone said गरबा खेलने भेज दो. बाप रे बाप, दिस इज सो फनी. ठीक है, मैथ्स का पोस्टमार्टम. एक्चुअली मुझे गुस्सा आ रहा था, बट देन आई एम रियली फीलिंग वेरी फनी राइट नाउ. ठीक है चलेगा चलेगा. अरे बाबा ऐसा सब मत करो, आप ये डाउट सीरियसली पूछते हो कि आई रियली डोंट नो, आई रियली डाउट अबाउट दैट. मेरे पास आंसर नहीं है उसका. ठीक है, ये सब कमेंट्स देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा मेरा गुस्सा कम हो रहा है, बाकी कुछ नहीं. ए हो गया क्या ये स्लाइड? हेत समझ में आ रहा है क्या तेरे को बेटा? हेत बट समझ में आ रहा है क्या? हाँ वो फाइनल आंसर था हर्ष, दैट वाज द फाइनल आंसर. अरे तू बार बार मत पूछ व्हाइट कांट बी सब्ट्रैक्टेड, मेरे पास उसका आंसर नहीं है. I, अगर मेरे पास वो पावर रहेगा ना, आई विल सेंड यू बैक टू स्कूल, बाकी कुछ नहीं. बाजू में रूट है अभी, बाजू में रूट टू है तो कैसा वो सब्ट्रैक्ट होगा? हाउ कैन आई एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स? या नाउ टेल मी, एफ डैश एक्स upon f of x dx. Okay, now just recollect and tell me, do you remember this property, f dash x upon f of x? आपको पता है मैंने एक एक्सरसाइज किया था ये वाला, a e raise to x plus b e raise c e raise to x upon d. Okay, इसमें लास्ट वाला स्टेप हमेशा यही आता था, पता है क्या? याद आया क्या कुछ? f dash x upon f of x. और ये इसके ऊपर मैंने आपको सैंपल प्रॉब्लम्स भी करवाया था. I had you know given some sample problems also start में, एकदम इंटीग्रेशन के स्टार्ट में. ये बहुत कम जन करते हैं प्लीज, कॉलेज का टीचर तो करेगा नहीं, किया तो भी प्रॉपर्टी बताएगा, लेकिन मैंने उतना हार्डवर्क किया है, आई हैव टेकन एफर्ट्स टू टीच यू दैट थिंग. अभी तुम लोग ने किया है वो रिवाइज की नहीं किया है, दैट आई डोंट नो, लेकिन इंटीग्रेशन के स्टार्ट में मैंने आपको ये प्रॉपर्टी सिखाया था, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स देके भी. ठीक है, तो चलो लेट्स मेक यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी का यूज करके ले लेते. ठीक है, सो लेट्स गो टू 6.1 का थर्ड प्रॉब्लम. 6.1 का थर्ड प्रॉब्लम, 3 to x x square minus 1 dx. Okay. अभी I'll just
थिंक एंड आई जस्ट थिंक अबाउट द डिनोमिनेटर, एक बार सोच लेता हूँ डिनोमिनेटर के बारे में. इसको अगर मैं डेरिवेट करूंगा, इसका डेरिवेटिव ले लूंगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या है? 2x. तो ऊपर 2x में से 2 तो कांस्टेंट है, जाने दो, 2 तो कैसे भी ला सकते हैं हम लोग, लेकिन x है क्या ऑलरेडी? x है क्या ऑलरेडी? ठीक है. सो व्हाट आई विल डू इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. सो I इज इक्वल टू हाफ, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स. चलो, समझा कि नहीं समझा? Guys, are you understanding? Okay. मैंने ये half या फिर ये 2 को मैंने integration के बाहर क्यों लिखा है? Anyone? Constant, correct. Yes, Emma, you're right. Constant है वो. Constant को लिख सकते हैं बाहर. ठीक है. नाउ यू टेल मी, अगर ये एफ ऑफ एक्स है, क्या ये एफ डैश है? अगर नीचे वाला एफ ऑफ एक्स है तो ऊपर वाला एफ डैश एक्स है क्या? पूरा टर्म बोलो. ठीक है, कभी कभी ये प्रॉपर्टी के बारे में सोचने का. नीचे का टर्म एफ ऑफ एक्स है तो ऊपर का टर्म एफ डैश एक्स है. ये संस्कार सी. नाउ ये जो प्रॉपर्टी ना, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड एफ ऑफ एक्स, ओके, वो प्रॉपर्टी अप्लाई करना है कि नहीं करना है? आई रियली डोंट नो एट दिस मोमेंट. प्रॉब्लम जब भी शुरुआत होता है, व्हेन इट इज स्टार्टिंग, दैट टाइम आई रियली डोंट नो. इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कि डिनोमिनेटर को एक बार डेरिवेट करके देखता हूँ. माइंड में करो या पेपर पे करो. तो उसका डेरिवेटिव क्या है? 2x है. तो ये ऊपर x है, तो इसको 2x बना सकते हैं क्या? इजीली 2x बना सकते हैं क्या? यस संस्कार, वेटिंग. तो 2x कैसे बनाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड करके. इसके लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 चलेगा. ठीक है, नाउ वी कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी ना, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स. ओके, सो हाफ. शुड आई प्रोसीड गाइस? शुड आई प्रोसीड? हाफ लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स 3 and 2 चलेगा क्या? प्रॉपर्टी अप्लाई किया मैंने, ब्रैकेट में चाहिए तो प्रॉपर्टी लिख दो. इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स. धैर्य ठक्कर, समझ में आ रहा है कि नहीं तेरे को? क्रिश, डीएन नगर ब्रांच, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? अरे हेत, मेरे को पता चला कि ऊपर 2x लाने का है, तो मैंने 2x लाया. तो अभी तो क्लियर है ना मेरे सामने कि f डैश x अपॉन f ऑफ x है, तो कर लिया मैंने प्रॉपर्टी. f डैश x न्यूमरेटर में रहता है, f ऑफ x डिनोमिनेटर में रहता है. प्रॉपर्टी में प्लीज, f डैश x न्यूमरेटर में रहता है, f डैश x न्यूमरेटर, f ऑफ x डिनोमिनेटर में रहता है. ओके, हाफ एफ ऑफ एक्स के
Can I write x square minus 1? Can I write x square minus 1? ठीक है, हाफ बॉक्स माइनस बॉक्स. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टुगेदर. ओके, हाफ बॉक्स माइनस बॉक्स चाहिए तो पेंसिल से. डीएक्स चला गया ना बेटा, मैंने इंटीग्रेशन खत्म किया. इंटीग्रेशन खत्म करने के बाद में प्रॉपर्टी अप्लाई किया मैंने. प्रॉपर्टी अप्लाई होने के बाद में डीएक्स क्यों आएगा? और इसमें तो प्लस सी आएगा ही नहीं ना, ये तो डेफिनेट इंटीग्रल से, तो प्लस सी भी नहीं आएगा, डीएक्स भी नहीं आएगा. ओके, या तो मैं बोल रहा था ये एक्स को पेंसिल से हाईलाइट करो, एन सर्कल करो पेंसिल से चाहिए तो. ओके चलो, अभी बॉक्स के अंदर एक्स के जगह पे पहले क्या आएगा? बॉक्स के अंदर एक्स के जगह पे पहले क्या आएगा? सो हाउ टू राइट दिस, डोंट टेल मी द फाइनल आंसर, लिखना कैसा है वो बोलो. लॉग, बोलो log mod 3 square minus 1, correct, and log mod यहाँ पे क्या आएगा बोलो, 2 square minus 1. log mod 3 square minus 1, log mod 2 square minus 1. ओके, ये कितना होगा? लॉग 8 माइनस लॉग 3. चलो पहले इतना कॉपी करो, बाद में हम लोग आगे का डिस्कस कर लेंगे. ओके, पढ़ाई करो, मेहनत करो, नहीं तो हर साल डांडिया ही खेलना पड़ेगा. करेक्ट अमय, ये साल खेलने का है तो फिर आपको मास्क और वो सब सैनिटाइजर के साथ जूम मीटिंग में खेलना पड़ेगा. हाफ लॉग मॉड 8 माइनस लॉग मॉड 3. हैव आई टॉट यू दिस? लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी. प्रॉब्लम समझा गया तुमने? ये देखो, प्रॉपर्टी के साथ हम लोग ये हाफ को इधर लेके जा सकते हैं. कैन वी टेक दिस हाफ ओवर हियर? आई एम जस्ट आस्किंग यू फॉर योर नॉलेज, समवन इज आस्किंग. सो क्या हम लोग हाफ ऊपर लेके जा सकते हैं? यस, वी कैन टेक द हाफ ऊपर. बी लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए रेज टू बी ना, डेरिवेटिव में भी किया है, लेकिन चलेगा, उसका कुछ जरूरत नहीं है. वील कीप इट एज इट इज, दैट्स इट. उसका जरूरत नहीं है, यू विल जस्ट कीप इट एज इट इज. इसके आगे बहुत तुम लोग ऐसा सब चीज कर सकते हो. सी लुक एट दिस, ऐसे भी लिख सकते हो, दिस कैन ऑल्सो बी द फाइनल आंसर. लेकिन आप इधर रुक जाओ, ये सब चीज नहीं चाहिए. वो रॉन्ग है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड इट ओवर हियर. चलिए बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अरे बाबा, अब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है वो। यू आर आस्किंग द सेम थिंग अगेन। दो बार एक्सप्लेन किया। ये तुम लोग को नहीं समझा क्या कि मैंने ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू क्यों किया? टू गेट एफ डैश एक्स। करेक्ट निखिल, मैंने देखा कि ये एफ ऑफ एक्स है। मुझे पता नहीं कि प्रॉपर्टी अप्लाई होगा कि नहीं, मैं चांस लेके देख रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग। तो इसका डेरिवेटिव तो 2x है, तो ऊपर तो 2x ला सकते हैं ना इजीली बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। ए गाइस, प्लीज गिव मी अ जेन्युइन फीडबैक। जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे वो लोग भी फीडबैक दो प्लीज। समझाए नहीं समझाए, नहीं समझाए डेफिनेटली आई विल टीच यू वन सेकेंड, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन फीडबैक दे देना प्लीज। फिर वो बीच में से कोई कुछ नया चीज पूछता है ना कि ये कैसे आया वो कैसे आया, तो आई रियली गेट वरीड कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। दे दो यार थोड़ा फीडबैक दो। आई एम नॉट आस्किंग फॉर मनी, आई एम आस्किंग फॉर फीडबैक। ओके ठीक है। देखो ये प्रॉपर्टी है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम्स में यही प्रॉपर्टी रहेगा। ऐसा इट इज नॉट अ रूल, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन एक बार सोचने का कि इसका डेरिवेटिव ऊपर इजीली आ सकता है क्या, तुम लोग ही मुझे बोलो इसका डेरिवेटिव ऊपर इजीली आने का चांस है क्या? क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी है ना, तो टू क्या है? टू टू तो कुछ भी नहीं है, उसको तो इजीली ला सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू। 3x रहता था तो फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3। ठीक है, अभी अभी मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्रॉब्लम। यस सानिया जी, वो भी कर सकते हो, यू आर राइट। लेकिन मैंने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन डेफिनेट इंटीग्रल्स में अभी तक सिखाया नहीं है, तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। या ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का और दो तीन तरीका है। देयर आर टू थ्री मोर वेज टू सॉल्व दिस। ओके, ये जाने दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट जाने दो। कैन आई राइट दिस एज एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन? ये कॉपी नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम शेयरिंग। ये लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बोलो, चलो टाइम पास मत करो। हाफ क्यू आउट रे, हाफ किधर दिख रहा है तेरे को निकल? एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन लिख सकता हूँ क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ क्या? बोलो। या ऊपर का डिग्री वन है, नीचे का डिग्री टू है, वो तो इधर से भी पता चलता है, दोनों जगह से पता चलता है। क्या कर सकते हैं आपके हिसाब से, और एक मेथड क्या रह सकता है? ओके, मेनी स्टूडेंट्स आर आंसरिंग विथ पीएफ, वेरी गुड वेरी गुड। मेनी स्टूडेंट्स आर आंसरिंग विथ पीएफ, लेकिन पीएफ टाइप वन की टाइप टू? टाइप वन डिस्टिंग्विश्ड लीनियर फैक्टर्स, ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, सो देर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैंने आपको सबसे इजी और लेस टाइम कंज्यूमिंग वाला मेथड सिखाया है। मैंने आपको इजी और लेस टाइम कंज्यूमिंग वाला मेथड सिखाया है। ठीक है गाइज, ओके। यस सुनो,
कंफ्यूजिंग ऐसा कुछ नहीं है पृथ्वी से, ये मेथड जो मैं पीएफ टाइप वन बता रहा हूँ ये कंफ्यूजिंग की तरह मेथड, थोड़ा सा लेंदी है फर्स्ट वाले से, कंफ्यूजिंग तो कुछ भी नहीं है। पीएफ टाइप वन के ऊपर मैंने पूरा पूरा का पूरा एक लेक्चर डेडिकेट किया है और उसके ऊपर और प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, डोंट वरी। तभी तभी अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा वो भी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ओके, मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बहुत सारा वेज है सॉल्व करने का ये प्रॉब्लम का। बट देन आई विल यूज माय एनालिसिस, मैं एक बार एनालाइज करके देखूंगा किसको एनालाइज करूं। चलो आप लोग बोलो, बड़ा बड़ा वर्ड्स यूज कर रहा हूं मैं, किसको एनालाइज करूं। यस परफेक्ट, आई एम गेटिंग राइट रिप्लाइज फ्रॉम दोज हु आर रिप्लाइंग। किसको एनालाइज करूं, डिनोमिनेटर को, परफेक्ट, वेरी गुड, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को अगर मैंने एनालाइज किया तो उसका डेरिवेटिव क्या है, उसका डेरिवेटिव क्या है, 18x, परफेक्ट, उसका डेरिवेटिव है 18x, 18x रेज़ टू 4 कैसे आएगा, 18x, ओके। अभी आप लोग मुझे बोलो, आप लोग मुझे बोलो, ऊपर 3x है लेकिन क्या मैं उसको 18x इजीली बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं, कैन आई मेक इट एज 18x इजीली और नॉट। डिफिकल्ट है तो ये प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सोचने का, लेकिन इजीली अगर बना सकता हो तो फिर चांस लेने का। सो अमाई टेल मी हाउ टू मेक दैट 3x एज 18x। आपको डाउट था ना, अभी बता दो। चलो यस, वेरी गुड अमाई, परफेक्ट, मल्टीप्लाई एंड ये मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, एग्जाम में ये मत करो ऐसा कुछ, मल्टीप्लाई पूरा लिखो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6, क्योंकि 3 इंटू 6 18 देगा ना। अभी ये तो आपको समझना चाहिए ना, इज इट वेरी डिफिकल्ट, चाहिए तो हम लोग एक स्टेप बढ़ा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है क्या। कॉपी करो, अच्छे से कॉपी करो, लीव वन वन लाइन आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेप। Done. Okay. अभी पूछना मत कि ये दोनों कैंसिल हो सकता है क्या, ऐसा पूछने का है तो फिर बंद करो ये मीटिंग और सो जाओ। ओके, सो 1/6, 18x, 9x² माइनस 1 dx, ओके, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ऊपर वाला पार्ट एफ डैश एक्स, नीचे वाला पार्ट एफ ऑफ एक्स, समझ में आया। वरुण धवन समझ में आ रहा है कि नहीं तेरे को, भाई मेहनत लगेगा इसमें, कोशिश कर रहा हूं। अरे भाई मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं पूरा मेरे साइड से हार्डवर्क ले रहा हूं, तो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू यू नो वर्क हार्ड, नॉट ओनली विथ मैथ्स बट देन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। संस्कार अंडरस्टूड, ए हो गया क्या स्लाइड, जल्दी बोलो।
घाटकोपर ब्रांच दिया आर्यन यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड ठीक है सो वन ऑफ ऑन सिक्स लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स टू एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन में देयर इज नो प्लस सी ए बाबा इसमें चेन रूल मिक्स भेल मत बनाओ इसमें चेन रूल ये प्रॉपर्टी में चेन रूल कभी आता नहीं है ये प्रॉपर्टी में कभी चेन रूल कभी नहीं आता है इट्स अ प्रॉपर्टी इट्स नॉट अ फॉर्मूला चेन रूल फॉर्मूला में आता है ऐसे ऐसे रहता था चेन रूल तो मैं प्रीवियस प्रॉब्लम में भी चेन रूल का कुछ करता था प्रॉपर्टी में चेन रूल नहीं आता ओके वन अपॉन सिक्स लॉग मॉड्यूलस 9x² - 1 नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा मैं राइट दिस ऑन द नेक्स्ट पेज ओके शुड आई गो टू द नेक्स्ट स्टेप जाऊं मैं हर्षल घाटकोपर ब्रांच समझ में आ रहा है कि नहीं लीशा अमिन समझ में आ रहा है कि नहीं जेबी नगर ब्रांच ओके 1/6 बॉक्स माइनस बॉक्स लॉग वॉड 9 × 2² - 1 लॉग वॉड मॉडुलस लिखता नहीं हूं नहीं तो चलो लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने क्यों नहीं लिखा ठीक है अच्छे से लिखो सब कुछ राइट इट नीटली ओके वो किराना वाला की तरह मत लिखो राइस 2 kg व्हीट 3 kg ओके ऐसा सब हैंडराइटिंग मत लिखो बाबा वी डोंट वांट एनी डॉक्टर्स हैंडराइटिंग और एनी शॉपकीपर्स हैंडराइटिंग ओवर हियर log 35 minus log 8 log 35 8 I need not explain this now bracket nahi daloge to bhi chalega ye समझ में आ रहा है क्या चलो अभी थोड़ा सा एक रिवीजन है अपना रफ रिवीजन है वी आर गोइंग टू रिवाइज समथिंग नाउ ठीक है आफ्टर दिस प्रॉब्लम द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज जस्ट अ रिवीजन सिर्फ लास्ट का दो स्टेप डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाकी पूरा प्रॉब्लम इंटीग्रेशन के सो वी आर गोइंग टू रिवाइज समथिंग
क्वेश्चन नंबर फाइव. जो लोग कॉपी कर रहे जल्दी कॉपी करो, चलो डोंट वेस्ट टाइम. Done. Yes, Nikhil, correct. Chalo. Next problem. We are going to revise this. Numerator ka degree kya? One. Denominator ka degree kya? डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है? न्यूमरेटर का डिग्री वन है, डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है? टू. हाउ टू सॉल्व दिस? अपर लिमिट थ्री है बाबा. पीएफ टाइप वन. दिस इज गोइंग टू बी क्विक. Now I am not going to wait for anyone. PF type 1. Upar kya likhu? A. B. Theek hai? Equation number 2. आई डोंट थिंक यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम रहना चाहिए. आई रियली डोंट थिंक दैट. इज इट डिफिकल्ट क्लियर? यहां तक कुछ डिफिकल्ट लग रहा है आपको? अगर आपने पीएफ बेटा है तो अटेंड किया है तो इज इट डिफिकल्ट गाइस? यस कृतिका फ्रॉम मुलुंड ब्रांच, विक्रोली ब्रांच. कृतिका, दोनों कृतिका को समझ में आ रहा है क्या? अब बराबर है? नाउ इट इज राइट. ओके. देखने का कहां पर देखने का? इक्वेशन नंबर टू में. और सब्स्टिट्यूट कहां पे करने का? थ्री में. है कि नहीं? देखो मैं बोलता हूं ना आपको, इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है, बाकी कुछ नहीं. सो पुट टू में. देखो टू में किसके पास देखो? एक्स प्लस टू के पास देखो. एक्स प्लस टू किसके साथ इक्वेट करने का? किसके साथ इक्वेट करने का? कमोन टेल मी. जीरो. जीरो के साथ इक्वेट करने का. एक्स का वैल्यू कितना आया? माइनस टू. कहां पे डालने का? एक्स इक्वल टू माइनस टू. थ्री में. चलो पुट एक्स इक्वल टू माइनस टू इन थ्री. ओके. एक्स इक्वल टू माइनस टू इन थ्री. ए का वैल्यू कितना आएगा बोलो? कैलकुलेट करके ए का वैल्यू कितना आएगा? चलो जल्दी बोलो, अच्छे से कैलकुलेट करो.
माइनस टू, क्या आपको माइनस टू आ रहा है? ओके, नाउ लुक एट दिस, इक्वेट करो जीरो के साथ, एक्स का वैल्यू माइनस थ्री आया, बराबर है? पुट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री वेयर, कहां पर? इक्वेशन नंबर थ्री, करेक्ट, पुट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री इन इक्वेशन नंबर थ्री. सॉल्व करो अच्छे से, बी का वैल्यू क्या आया? बी के बी सेवन रॉन्ग है बेटा, बी थ्री आएगा. पुट ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर टू, एक्स अपॉन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू एंड प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री, बराबर है क्या? हम लोग ने प्रैक्टिस भी किया था, राइट ना? प्रैक्टिस किया था, इसके लिए तुम लोग आंसर दे पा रहे हो अभी. ऐसा नहीं कि मैं सीखा के भाग गया, आई मेड यू टू प्रैक्टिस टू और थ्री प्रॉब्लम्स आफ्टर दिस. ओके, क्या करूं अभी, तुम लोग बोलो. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम रखो, प्रॉब्लम का अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम रखो, पूछो मत क्यों, कॉमन सेंस वाला चीज है, अप्लाई करो. माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री डी एक्स, डी एक्स ओके. I equal to integration, individual integration. अभी ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है ना, इसके लिए थोड़ा सा लेंदी होगा, बहुत सिंप्लीफिकेशन से इसमें. Write it neatly. ये स्लाइड में किसी को कुछ डाउट है क्या? हेलो, ये स्लाइड में किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? You can ask, please. ठीक है, चलो, कौन सा फॉर्मूला आएगा ये दोनों को, कौन सा फॉर्मूला आएगा, कौन सा फॉर्मूला आएगा? वन अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स? लॉग मॉड एक्स, करेक्ट. क्या दोनों में चेन रूल आएगा? विल चेन रूल बी अ पार्ट ऑफ बोथ? यस, चेन रूल दोनों में आएगा. सो माइनस टू
log mod x plus 3 d by dx of x plus 3. ओके माइनस टू को बाहर निकाल देता हूँ बॉक्स से, चलेगा वो थ्री. एक सेकेंड ना, थोड़ा गलती हो गया मेरे से, एक्स प्लस टू है यहाँ पे, सॉरी. लॉग मॉड एक्स प्लस थ्री डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस थ्री, थ्री एंड टू. माइनस टू लॉग मॉड एक्स प्लस टू थ्री एंड टू प्लस थ्री लॉग मॉड एक्स प्लस थ्री. I hope I need not explain this step now. ये दोनों का डेरिवेटिव तो वन है ना, इसके लिए उसको मैंने कुछ लिखा नहीं अभी डिनोमिनेटर में. लॉग जीरो जैसा कुछ नहीं रहता है, लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का रहता है, जीरो और नेगेटिव नंबर्स का नहीं रहता है. Yes, Nikhil, we can apply bracket minus bracket. Minus 2. Bracket minus bracket. Plus 3. Bracket minus bracket. माइनस टू बॉक्स माइनस बॉक्स प्लस थ्री बॉक्स माइनस बॉक्स. राइट इट नीटली अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू. लॉग थ्री प्लस टू और यहां पे लॉग एनीवन. फाइनल आंसर मत बताओ. टू प्लस टू करेक्ट. यहां पे लॉग एनीवन. थ्री प्लस थ्री करेक्ट परफेक्ट. और दूसरे ब्रैकेट में लॉग टू प्लस थ्री परफेक्ट वेरी गुड. Excuse me if my handwriting is not that great. लेकिन समझ में आ रहा है ना मैं जो लिखता हूँ. दिया फारिक, आर यू सेइंग मी येस कि आप मेरे पे हंस रहे हो. दो दो मीनिंग निकलता है उसका. ओके ठीक है. या आगे आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है. यहां तक तो इजी था, यहाँ तक अपना इंटीग्रेशन में यहाँ तक था बस. दैट्स इट. वी हैव टू वाइंड अप ओवर हियर. डेफिनेट इंटीग्रल्स में थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना पड़ेगा. माइनस टू लॉग फाइव माइनस लॉग फोर माइनस टू लॉग फाइव माइनस लॉग फोर प्लस थ्री इंटू लॉग सिक्स माइनस लॉग कितना है. Log 6 minus log 5. Correct. ठीक है. ओके ये सॉल्व करना पड़ेगा आगे. अनफॉर्चुनेटली अपने को इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस. ठीक है देखो, तो पहला पॉजिटिव टर्म लिखता हूं मैं पहले. आई विल राइट डाउन द पॉजिटिव टर्म फर्स्ट, बाद में नेगेटिव टर्म लिखता हूँ. चलेगा ऐसा लिखा, रिवर्स किया तो चलेगा क्या. इसमें लॉग का कोई प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई किया है मैंने.
बेसिक मैथमेटिक्स की है, ये टर्म को पहले लिया और ये नेगेटिव टर्म को बाद में लिया। नहीं रुक रुक जाओ रुक जाओ प्लीज, पहला ये समझा गया, हैव यू अंडरस्टूड दिस? अर्ची का ये जो नेगेटिव है ना, इसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए मैंने ऐसा किया, ठीक है? फर्क पड़ेगा इसके लिए मैं सिखाएगा, नहीं तो नहीं सिखाएगा ऐसा कुछ भी, ठीक है? या क्योंकि तुम लोग को लॉग स्कूल में भी नहीं था और 11th स्टैंड में भी नहीं था, इसके पहले सब सिलेबस में, आपके पहले जो भी सिलेबस था ना, प्रीवियस सिलेबस, उसमें कॉलेज में था, 10 साल के पहले स्कूल में भी था, आपके टाइम पे लॉग उड़ा दिए है, तो ये सब चीज बहुत यू नो इम्पोर्टेंट रहता है। अनफॉर्चुनेटली यू पीपल वर नॉट गिवन दैट चांस। चलो राइट है, इतना समझा? लॉग रियल लाइफ में यूज होता है, लेकिन कॉमर्स में वॉमर्स में कुछ उसका यूज नहीं आगे। हाउ हाउ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, थ्री दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, समझा? हाउ टू दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे साइन चेंज हो गया, अरे बाबा लॉग रहने दो, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स का तो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल रहेगा ना उसके ऊपर, ऐसे क्या कर रहे हो? मत करो मल्टीप्लाई, जाओ ये देखो सुनो, यहाँ पे लॉग 6/5 भी कर सकते हैं, वी कैन डू दिस, कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन मैंने नहीं किया है वो, आई हैव नॉट डन दैट, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का स्टेप्स अप्लाई किया, ये थ्री दोनों के साथ मल्टी, ए गाइस इज दिस वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि थ्री दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, क्या है फिर भी उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट चल रहा है? ठीक है, सी गाइज वी कैन राइट दिस एज लॉग 6/5, वो जो तुम लोग बोल रहे हो दैट इज एब्सोल्यूटली राइट, बट एन आई एम अवॉइडिंग दैट, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। सानिया जी नाउ दिस इज फॉर द 10th टाइम यू आर आस्किंग मी दिस, बार 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 वही पूछ रहे हो, ये थ्री को मल्टीप्लाई क्यों किया, थ्री को मल्टीप्लाई क्यों किया, आई रियली डोंट वॉन्ट टू आंसर नाउ, बेसिक मैथ्स है ये, क्या प्रॉब्लम है इसमें आपको बोलो? अरे बेटा अलाउड है इसके लिए मैं सिखा रहा हूं ना, नहीं तो मैं क्या पागल हो गया हूं ये सिखाने के लिए, ऐसे क्या कर रहे हो? कुछ अलाउड नहीं रहेगा, मैं आपको सिखाएगा क्या, ऐसे क्यों पूछते हो आप? अलाउड है क्या, भरोसा है ना मेरे पे? log 6 क्यूब, log 5 क्यूब, log 5 स्क्वायर, log 4 स्क्वायर, चलो ये किसको नहीं समझा, ये नहीं समझा है तो बोलो, समझा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा चीज हम लोग ने डेरिवेटिव्स में भी किया था, पावर ऊपर आता है। Yes, we have, this is also a log property, na? This is also a log property. ठीक है, I think some students are getting confused, तो मैं ये निकाल देता हूँ इधर से, क्या बोलने का अभी? Okay, 3,
लिखो अभी तो यही लिखो, कैंसिल करो वो दो स्टेप, यही लिखो। चलो इतना समझा कि इसमें भी डाउट है, नहीं कैंसिल करो जो आप दो स्टेप लिखा था वो कैंसिल करो। इतना समझा गया, log 6 माइनस log 5 इज इक्वल टू log 6 अपॉन 5, log 5 माइनस log 4 log 5 अपॉन 4, इतना समझा क्या? देखो कभी कभी कोई कोई प्रॉब्लम है ना, दो तीन स्टेप्स के साथ हम लोग कर सकते हैं, दो तीन अलग अलग चीजों के साथ कर सकते हैं। तुम लोग के प्लेट में अगर मैंने राइस डाल के दिया, तुम लोग हाथ से खाओ या स्पून से खाओ, राइट पेट के अंदर जाने से मतलब रहता है। ओके इतना समझा। ये स्लाइड पे अभी किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? मेक दोस चेंजेस। मैंने और जो पहला दो स्टेप्स निकाला तो वो निकालो, ये नया चीज मैंने लिख के दिया है क्योंकि थोड़े बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। वो कैंसल करो हेत, मैंने बोला है वो दोनों स्टेप कैंसल करके ये लिखो। व्हाई आर यू आस्किंग अगेन एंड अगेन? सिंपल सा वर्ड्स बोल रहा हूँ, कैंसल करो तो करो। चलो गाइस टेल मी इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स ओवर हियर। यहां तक क्लियर है सब लोग को? क्या अभी ये 3 यहाँ पे आ सकता है क्या, और ये 2 यहाँ पे आ सकता है पावर में? क्योंकि हम लोग ने ऐसा एक प्रॉपर्टी किया था ना, log a raise to b is equal to b log a, तो ये b ऊपर जा सकते हैं ना यहाँ पे, ये क्या बोलो? डाउट है कि नहीं है? ठीक है परफेक्ट। चलो तो ये मैं 3 और 2 को ऊपर लू, उसके पावर पे लू, ब्रैकेट के पावर में 6/5 का पावर और 5/4 का पावर, बॉक्स ब्रैकेट का पावर नहीं है, राउंड ब्रैकेट का पावर। छोटा मोटा चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ, बॉक्स ब्रैकेट का नहीं, राउंड ब्रैकेट का पावर। अंडरस्टूड? नहीं समझा है मतलब आपको डेरिवेटिव्स में भी कुछ नहीं समझा है फिर? हाँ, सो दिस इज इक्वल टू लॉग 6/5 द होल क्यूब माइनस लॉग कितना, 5/4 द होल स्क्वायर, चलेगा क्या? इतना क्लियर है तुम लोग को? ठीक है, log 216 upon 125 चलेगा? चलेगा क्या? हेलो 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 हेलो, ठीक है। सो लॉग ए माइनस लॉग बी, वापिस वही प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं, ए डिवाइडेड बाय बी, चलेगा क्या? लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए डिवाइडेड बाय बी, फ्रैक्शन से इसके लिए डिवीजन का साइन डाला मैंने, चलेगा? log 216 upon 125 into 16 upon 25 चलेगा? अभी ये पूछना मत कैसे, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन होता है, रेसिप्रोकल होता है सेकंड टर्म का। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस?
ठीक है, मल्टीप्लाई करो, ये रिड्यूस तो होने वाला है नहीं, किसी से कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई करो 216 इनटू 16, 125 इनटू 25, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, कम ऑन। अरे दिया बेटा, मैंने लॉग कॉमन नहीं लिया है, आई हैव अप्लाइड द प्रॉपर्टी, मैंने लॉग कॉमन नहीं लिया है, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी, आई हैव नॉट टेकन लॉग कॉमन। ऐसा लॉग को कॉमन हम लोग नहीं ले सकते, ओके okay? So it is log 3456 upon 3125. समझा आप लोग को? लॉग 3456 अपॉन लॉग अपॉन 3125 ब्रैकेट के अंदर 3456 अपॉन 3125, दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज द फाइनल आंसर, लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर 3456 अपॉन 3125। चैप्टर का मिसलिनियस में जाओ, go to miscellaneous, markings करते जाना, चलो now we are not solving anything else, थोड़ा सा marking करके लेंगे हम लोग, miscellaneous exercise, fill in the blanks में जाओ, first problem, fill in the blanks का first problem, e raised to x dx दिख रहा है क्या? e raised to x dx दिख रहा है क्या? होमवर्क, e raised to x का फॉर्मूला क्या रहता है? e raised to x, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट, मिसलिनियस एक्सरसाइज का फिल इन द ब्लैंक्स, ये चैप्टर का मिसलिनियस एक्सरसाइज पेज नंबर 148 से शुरुआत होता है, उसका थर्ड पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट प्रॉब्लम, ई रेस टू एक्स वाला प्रॉब्लम होमवर्क के लिए, फर्स्ट प्रॉब्लम इज फॉर होमवर्क, सेकंड प्रॉब्लम एक्स रेस टू फोर, कौन सा फॉर्मूला आएगा, कौन सा फॉर्मूला आएगा एक्स रेस टू फोर के लिए, एक्स रेस टू एन, होमवर्क होमवर्क, थर्ड वन कौन सा फॉर्मूला आएगा, थर्ड वन, सानिया नाउ दिस इज सो मेनी टाइम्स आई हैव टू टेल सेम थिंग वन एंड अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, मिसलिनियस एक्सरसाइज 6 पेज नंबर 148, वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ओके वहां पे देखो ना, फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिल रहा नहीं है क्या? क्या आप ऐसे कर रहे हो? फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम होमवर्क, थर्ड प्रॉब्लम चलो बोलो, एवरीवन प्लीज टेल मी, थर्ड प्रॉब्लम वन अपॉन एक्स, करेक्ट परफेक्ट, वन अपॉन एक्स का फॉर्मूला है लॉग मोड एक्स, ये समय वेदांगी, वेरी गुड करेक्ट निखिल, राइट है, लेकिन क्या इसमें चेन रूल आएगा क्या? यस, क्योंकि एक्स इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ, x is getting replaced with 2x plus 5 and 2x plus 5 is linear algebraic term, linear algebraic term, ठीक है, तो d by dx of 2x plus 5 नीचे 2 रहेगा, फिर नीचे 2 रहेगा, बराबर से करने का ये प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम आल्सो
करेक्ट निखिल, राइट। फोर्थ प्रॉब्लम ऑल्सो होमवर्क, घर पे कर लेना फोर्थ प्रॉब्लम, ठीक है। फिफ्थ प्रॉब्लम, फिफ्थ प्रॉब्लम कैसे करने का, वन अपॉन रूट एक्स कैसे करने का, चलो दिमाग लगाओ बोलो। गॉड हैज गिवन अस वंडरफुल ब्रेन्स, लेट्स अप्लाई दोस। नीचे एक्स रेज टू हाफ है, वो एक्स रेज टू हाफ जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो क्या बनेगा, एक्स रेज टू माइनस हाफ, करेक्ट, वेरी गुड। फिर एक्स रेज टू एन कर देना, पहले लॉज ऑफ इंडाइसेस, लॉज ऑफ इंडाइसेस पहला करना पड़ेगा, लॉज ऑफ इंडाइसेस फिर एक्स रेज टू एन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स बोलो, ये भी होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स होमवर्क के लिए बोलो क्या करने का, यहाँ पे क्या करने का, कुछ स्ट्राइक हो रहा है तुम लोग को? यस निखिल, अभी किया था हम लोग ने, ये प्रॉपर्टी आएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करने का, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करने का, टू से करने का, क्यों टू से करने का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्योंकि डिनोमेटर का डेरिवेटिव क्या है, डिनोमेटर का डेरिवेटिव है 2x, तो x तो ऑलरेडी है ना ऊपर, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। गाइज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ये थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ मैं, लेकिन समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स ऑन दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 वन अपॉन x है, क्वेश्चन नंबर 7 वन अपॉन x है, समझा क्या? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 होमवर्क, ओके। यस वेदांगी, करेक्ट, चेन रूल भी आएगा 7 में, या अभी तुम लोग चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, पेज नंबर 148, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, दे हेट डोंट आस्क दैट अगेन एंड अगेन, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। नो नो निखिल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन टू ऐसा कुछ नहीं है, ओके। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, मिला क्या तुम लोग को? उसका सेकेंड प्रॉब्लम होमवर्क, सेकेंड थर्ड फोर्थ इज फॉर होमवर्क, सेकेंड से लेके सेवेंथ इज फॉर होमवर्क। हाँ, वो फिल इन द ब्लैंक्स का ही उधर चिपका दिया है वो प्रॉब्लम्स, सेकेंड से लेके सेवेंथ इज फॉर होमवर्क, सेकेंड से लेके सेवेंथ इज फॉर होमवर्क, सुन रहे हो बराबर से? ठीक है, एथ प्रॉब्लम, एथ प्रॉब्लम इज अ प्रॉपर्टी, एथ प्रॉब्लम इज अ प्रॉपर्टी, ओके। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का एथ प्रॉब्लम इज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या बोलता है, देखो ये अपर लिमिट अगर लोअर लिमिट बनाना चाहते हो या फिर लोअर को अपर बनाना चाहते हो तो बाहर कौन आता है, माइनस साइन आता है। अगर अपर लिमिट को आपको नीचे लाने का है, लोअर लिमिट बनाने का है, लोअर लिमिट को अपर बनाने का है तो बाहर कौन आता है, व्हाट डज गेट अपीयर्ड ऑन द राइट हैंड साइड, बाहर कौन सा साइन आएगा, माइनस साइन। समझा आपको, ये सिंपल है ना अंडरस्टैंड करने के लिए, डिफिकल्ट है क्या? ठीक है, ओके, गो टू इंटीग्रेशन, प्रीवियस चैप्टर जाओ, गो टू इंटीग्रेशन, गो टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मिसलेनियस में जाओ, पेज नंबर 137, पेज नंबर 137, इंटीग्रेशन का मिसलेनियस। ठीक है, उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉब्लम अपना हो गया है, थर्ड प्रॉब्लम भी हो गया है क्या? ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो गए, ये सम स्टूडेंट्स आर टेलिंग यस, सम आर टेलिंग नो, थर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है? चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का थर्ड वन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का थर्ड वन, हो गया है ना? ठीक है, चलो
ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स होमवर्क. क्वेश्चन नंबर सिक्स इज फॉर होमवर्क. ओके क्या करना है यहाँ पे बोलो. घर पे प्रैक्टिस करना है आपको. कैसे करोगे प्रैक्टिस बोलो, कैसे करने के, हाउ टू सॉल्व दिस. पीएफ टाइप वन न्यूमरेटर का डिग्री जीरो है क्योंकि एक्स का टर्म ऊपर है ही नहीं. ऊपर एक्स का टर्म है ही नहीं, मतलब ये वन क्या है, एक्स रेस टू जीरो है ना, तो न्यूमरेटर का डिग्री जीरो है क्योंकि एक्स का टर्म है नहीं. ओके फोर्थ के बारे में मैंने कुछ बोला नहीं है, रुक जाओ. डिनोमिनेटर का डिग्री टू है. पीएफ टाइप वन समझा तुम लोगों को ये. ओके फिफ्थ प्रॉब्लम, नीचे एक्स कॉमन लेता हूं मैं, नीचे एक्स कॉमन लेता हूं. फिफ्थ प्रॉब्लम एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का फिफ्थ प्रॉब्लम. न्यूमरेटर का डिग्री कितना है बोलो, न्यूमरेटर का डिग्री कितना है, जीरो. डिनोमिनेटर का डिग्री टू. ओके पीएफ टाइप वन डिस्टिंग्विश लीनियर फैक्टर्स, या ऐसा रहेगा ना, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वन माइनस एक्स, है कि नहीं. इसको इक्वेट करो जीरो के साथ, पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर थ्री. समझा कि नहीं, पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर थ्री. वन एंड माइनस वन, क्या बोल रहे हो आप. ए अपॉन एक्स है, एक्स को इक्वेट करो जीरो के साथ, तो एक्स इक्वल टू जीरो, पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर थ्री. वन माइनस एक्स को इक्वेट करो जीरो के साथ, एक्स इक्वल टू वन, पुट एक्स इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर थ्री. फिफ्थ और सिक्स मार्क करो, हो गया ये प्रॉब्लम्स. सेवेंथ और एट भी हो गया. सेवेंथ और एट भी हो गए, ठीक है. नाइन टेंथ भी हो गया ना, नाइन टेंथ भी हो गए, ठीक है. ओके ट्रू और फॉल्स का फोर्थ प्रॉब्लम. ट्रू और फॉल्स का फोर्थ प्रॉब्लम ट्रू और फॉल्स का फोर्थ प्रॉब्लम ओके इसमें क्या करने का है, पीएफ टाइप वन करो ट्रू और फॉल्स का फोर्थ प्रॉब्लम. गेट ए एंड बी, ए और बी का वैल्यूज निकालो एंड चेक इफ ए प्लस बी इक्वल टू वन. पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने का नहीं है, फोर्थ का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है. वी डोंट ट्राई टू सॉल्व दिस एंटायरली, ठीक है. ये चेक करो, ए प्लस बी अगर वन आया तो ट्रू है, ए प्लस बी अगर वन नहीं आया तो फॉल्स है, ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर फोर किया क्या हम लोग ने. ओके फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर फोर, चलो लेट अस स्टार्ट विद दैट एंड लेट्स मेक दैट एज द लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे. फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर फोर, इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स डीएक्स. याद आया कुछ, जो लोग ने थोड़ा बहुत रिवाइज किया है उन लोग को कुछ याद आया क्या. मैंने ऐसा क्यों लिखा है उन लोग को समझा क्या, तुम लोग को समझा क्या मैंने ऐसा क्यों लिखा है. चलो दिस इज इक्वेशन नंबर वन. पुट व्हाट, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर फोर. मेरे आवाज में कुछ डिकोडर है क्या, मैं इधर
हिंदी इंग्लिश यूज करता हूँ, आपको चाइनीज में सुनाई दे रहा है क्या? ओके, पुट 1 + log x = t, पुट 1 + log x = t, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूँ मैं, dy dx of 1 + log x dy dx of t, 1 + log x का डेरिवेटिव क्या है? व्हाट इज dy dx of 1 + log x? 1/x dt/dx. ओके, ये देखो और बोलो किसको ग्रुप करना है, ये देखो और इक्वेशन नंबर वन भी देखो किसको ग्रुप करना है, किसको साथ में रखना है. यस, वेरी गुड निखिल, बाकी लोग भी बोलो, थोड़ा मेहनत लो यार, बोलो किसको साथ में रखना है. करेक्ट वेदांगी, गुड. वन अपॉन एक्स डी एक्स को साथ में रखना है. क्यों 1/xdx को साथ में रखना है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे भी 1/xdx है ना, तो ये dx को मैंने इधर भेजा तो ये dt बन जाएगा, है कि नहीं? ओके, सो फ्रॉम 1 i = 1 + log x क्या है? ये तो t है, एन x dx क्या है? dt. x dx क्या है? dt. 1/xdx, सॉरी, 1/xdx इज dt. समझा क्या तुम लोग को ये? ओके, इसका इंटीग्रेशन कैसे करने का है? चलो t raised to 1, करेक्ट. सम स्टूडेंट्स आर आंसरिंग एंड देयर आंसर इज राइट. पहला t raised to 1 लिखना पड़ेगा. फर्स्ट वी हैव टू राइट t raised to 1. अभी प्लस ही आएगा, प्लस ही. सो ठीक है, 1 + log x दी होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी. अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं. ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करने का जरूरत था नहीं, लेकिन हम लोग ने प्रैक्टिस कर दी है. ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करने का जरूरत था नहीं, लेकिन हम लोग ने प्रैक्टिस किया. इफ यू रीड द प्रॉब्लम, दे आर जस्ट आस्किंग द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन इज, तो आंसर क्या रहेगा? प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्या है? पुट 1 + log x = t, दैट इज द आंसर. बस नहीं वेदांगी, वो उतना आगे जाना ही नहीं है, आंसर इसका सिर्फ यही है. दिस इज द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, 1 + log x = t. लेकिन मैंने पूरा प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करवाया? इट इज अ काइंड ऑफ रिविजन टू यू ऑल फॉर प्रैक्टिस, फॉर रिविजन. ठीक है, लेक्चर क्लियर है क्या? किसी का डाउट्स रहेगा तो आज मैं नहीं सॉल्व करेगा, आई हैव सम अदर वर्क ऑल्सो, नाउ करूंगा, लेकिन आपका डाउट सॉल्व. ओके, बाय, थैंक यू.